जो कभी भी अपने बंदे की जरा बराबर नेकी को जाया नहीं जाने देता, जहाँ जरा बराबर आमाल पर सजा है वहाँ जरा बराबर नेकी का भी शुमार है। वो खुदावंद आलम के जो एक नेकी पर युज़हिब नसयात, वो खुदावंद आलम जो गुनाहों को मिटा देता है नेकियों के जरिए से, जो नेकियों पर 10 गुना अजर देता है और गुनाहों को एक ही काउंट करता है, यकीनन वो अपने बंदे पर कितना मेहरबान है। यकीनन तमाम तर हम के लायक परवरदिगार है, तमाम तर दुरूद व सलाम अहले बैत अतहार अलैहिम सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जैसा मैंने कल भी ये बात जिक्र हुई थी कि यकीनन जिस तरह खुदा की कुछ सिफात हैं, उस सिफात है खुदा की मजहर अहले बैत अलैहिस्सलाम। अगर खुदा जो है वो रहमान और रहीम है तो अहले बैत और रहमानियत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदा की रहमानियत का मजहर दुनिया में है। अगर खुदा अता करने वाला है तो सहावत का मजहर अहले बैत अलैहिस्सलाम है। अगर खुदा खालिक कायनात है, राज़िक कायनात है, तो इनके जरिए से अता किया जाता है। यकीनन ये हस्तियाँ हैं जैसा अभी मैंने शुरू में बयान किया कि वाकईतन खुदा जिस तरह से नेकियों को ज़्यादा शुमार करता है, बुराइयों को कम शुमार करता है। खुदा नेकियों को कबूल करता है, चाहता है कि बंदा बुराइयों से दूर होकर नेकियों की जानिब आ जाए। इसी तरह खुद अहले बैत भी अपने चाहने वालों से चाहते हैं कि बुराइयों से निकलकर नेकियों की जानिब चले जाएं और इनकी गुनाहों को दरगुजर किया करते हैं, खताओं को दरगुजर किया करते हैं और आमाल हसना को ज़्यादा कबूल किया करते हैं। यानी हकीकत है कि अहले बैत के चाहने वालों को जेब नहीं देता कि गुनाहों को अंजाम दें, अहले बैत के चाहने वालों को जेब नहीं देता कि बुराइयों के करीब जाएँ, लेकिन फिर भी जाहिर इंसान है, खता हो जाती है। जिस तरह खुदा माफ़ कर दिया करता है, ज़रा बराबर लग्जरीज इंसान के अंदर आई और उसके बाद निदामत के अंदर आया तो खुदा सिर्फ निदामत के हो जाने पर ही गुनाहों को माफ़ कर दिया करता है। यानी गुनाहों के लिए, गुनाहों की माफ़ी के लिए सिर्फ इतना भी काफ़ी है कि अगर सिद्क़ नियत से गुनाह का ख्याल आया और इंसान सिर्फ तवज्जो कर ले कि हाँ मुझसे गुनाह हो गया है, परवरदिगार मैं शर्मिंदा हूँ, कहने की जरूरत बाजू ना भी पड़े कि परवरदिगार तौबा चाहता हूँ, तब भी खुदा निदामत पर भी गुनाहों को माफ़ कर दिया करता है। इसी तरह अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत में भी बहुत सारे वाकयात बड़े हैं कि जिसमें निदामत पर ही अहले बैत अलैहिस्सलाम ने लोगों की खताओं से दरगुजर किया। बस एक वाकया पर मसाइल की जाए, कहते हैं अहले बैत के चाहने वाला है, मोहब्बत तो है अहले बैत से, लेकिन बहुत गुनहगार है, खताएँ करता है। कहते मैं बहुत जो है वो बुरा था, यानी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बुरी खसाइस पाए जाते थे,
मेरी माँ ज़ाहिर है माएँ क्या चाहती हैं, माँ की मोहब्बत औलाद से ही होती है, अच्छा खा ले अच्छा पी ले उसके बाद अच्छे अखलाक किरदार का हामिल बन जाए। हाँ माशरा भी एक किरदार अदा करता है माँ की तरबियत के साथ साथ, लेकिन ये एक अलग मौजू है। बाज़ वक़्त माएँ बहुत अच्छा सिखा भी रही होती है लेकिन बच्चे के अंदर अच्छाई नज़र नहीं आ रही होती। लेकिन बहरहाल माएँ हमेशा चाहती यही हैं कि बच्चा अच्छा परवान चढ़े। हाँ खुद माओं की खामियाँ औलाद के अंदर आ जाती हैं, अजदाद की खामियाँ औलाद के अंदर आ जाती हैं, ये एक अलग मौजू है। लेकिन बहरहाल एक माँ औलाद से एक्सपेक्ट करती है कि अच्छी किरदार को अंजाम दे। कहते हैं मैं बारह बहुत बुरा था, बहुत सारी बुराइयाँ, बहुत थोड़ी तवज्जो आप लोगों की जाऊँगी, तब बहुत सारी बुराइयाँ मेरे अंदर पाई जाती थी, लेकिन मेरी माँ बारह मुझे सुधारने की कोशिश करती रहती थी। यहाँ तक कि मेरी माँ की ज़िंदगी अख्तिताम के करीब पहुँच गई, यहाँ तक कि मरज़ुल मौत में मुब्तला होने लगी। अब जब मेरी माँ ने खुद महसूस किया कि अब तो मेरा असल अब दुनिया में रहना ज़िंदगी मेरी खात्मे के करीब है, अब बेटे के लिए क्या मसलन करके जाएं या क्या ऐसी बात कह जाए जिससे बेटा सुधर जाए। ज़ाहिर मरते वक्त इंसान बहुत अहम कामों को कह देता है जो उसकी फहम के मुताबिक होती है। माँ ने अपनी फहम के मुताबिक जब आखिरी लम्हात उसके करीब आए, कहते मेरी माँ ने जब मैंने अपनी माँ के करीब पहुँचा और अपनी माँ की खदमत गुजारी में लगा हुआ था, माँ की खदमत बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, हत्ता कि बेटियों की आने वाली जिंदगियों में ये बात मैटर करती है कि उन्होंने अपनी माँ के घर में कितनी खदमत गुजारी अपनी माँ की। यानी बाज़ुल्मा कहते हैं कि अगर जो है आपने देखना है कि आपकी बात की लाइफ अच्छी गुजरे तो अपने घर में अपनी माँ की खिदमत करें। जो बेटियाँ अपने घर में अपनी माँ की खिदमत करती हैं उनके आने वाली लाइफ ज़्यादा अच्छी गुजरती है नस्बतन उन बच्चियों के जो शायद अपने माँ बाप की खिदमत इस तरह ना कर पाएँ। यानी बहुत सारे अजर तो खुदा की बारगाह में महफूज हैं, लेकिन एक अजर ये भी है खुदा दुनिया में अदा कर दिया करता है कि माँ बाप की जितनी खिदमत की जाए दुनियावी हालात उसके बेहतर होते चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब दुआएं कबूल ना हो रही हों माँ की कब्र के पास जाओ, माँ की कब्र पे जाकर दुआ करो, खुदा वंदे आलम उन दुआओं को मुस्तजाब करता है। तो बहरहाल जब ये आखिरी वक्त करीब आया तो कहता है मैं अपनी माँ की खदमत में लगा हुआ था, मेरी माँ ने आखिरी वक्त में कहा कि मैं तुमसे अब क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, क्या कर सकते हो अब तुमने किया, लेकिन बस एक काम ज़रूर करना, मेरा आखिरी वक्त है, ये बात मेरी ज़रूर मान लेना, कोई बात मानो या ना मानो। कहते हैं हाँ मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी बात ज़रूर मानूँगा। तो क्या बात है का जब भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के शायर को देखो ताज़ीमन उन पर सलाम ज़रूर करो। शायर अहले बैत क्या है, जो निशानियाँ अहले बैत अलैहिस्सलाम की नज़र आती हैं, मसलन अलम देख लिया, ताबूत देख लिया, जुलजना देख लिया, जो भी निशानियाँ जिस अहले बैत अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा किया जाए, फर्श अज़ा पे चले गए, अलम व ताबूत या इमाम बारगाह को देख लिया। तो मैंने ज़ाहिर है मैं माँ की और बातें तो नहीं मान सका था, लेकिन मैंने अपनी माँ की बात अपनी गिरा से बांध ली, क्योंकि मेरी माँ ने मरते वक्त मुझसे ये बात कही थी, इसलिए मैंने ये बात अपनी माँ की गिरा से बांध ली। अब जब भी मेरी कोई निगाह अहले बैत अलैहिस्सलाम की शायर पर पड़ती थी मैं ताज़ीमन कहता था अस्सलाम वालेका या अबा अब्दुल्ला। तो जब मैं अलम को देखता, जब मैं ताबूत को देखता, जब मैं इमाम बारगाह पर निगाह पड़ती, जब मैं किसी भी मसल काबिल एहतराम चीज़ को देखता मैं आवाज़ लगाता अस्सलाम वालेका या अबा अब्दुल्ला। यहाँ तक कि आप ख्वाब में आकर अपने दोस्त को ये वाक़ बताता है, यहाँ तक कि गुनाहों की हालत में मर गया लेकिन उसके नाम अमाल नहीं रहती बाकी रह गया। कहा मैदान महशर में, कहते जब मेरे मैदान महशर का मामला आया मैदान महशर में मैंने देखा कि ज़ाहिर मेरे गुनाह इतने ज़्यादा थे तो फरिश्ते मुझे उठा कर ले जाने लगे ताकि जहन्नुम की आग में मुझे डाले। कल लेके जा रहे थे मैदान महशर में, मसलन खैमे लगे हुए हैं दूर दूर जगह जगह, तो मैंने देखा कि खैमा लगा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। खैमा इसका है खैमा किसी आम फर्द का नहीं है, ये खुदा की मुकर्रब तरीन हस्ती हुसैन इब्ने अली का खैमा। तो मेरी निगाह उस खैमे पर पड़ी, मेरी आदत बन गई थी कि जब भी मैं कोई शायर इमाम हुसैन को देखता था तो कहता था अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। अब मरने के बाद भी दुनिया में जो आदतें होती हैं मरने के बाद भी बाज़वा बाकी रहती, इतनी ज़्यादा आदत थी कि जैसे ही ये फरिश्ते मुझे ले जा रहे थे मैंने कहा एक मिनट एक लम्हा मुझे मेहनत दो, क्या करना है, कहा मुझे हुसैन के ऊपर सलाम भेजो। मेरी आदत है मैं किसी भी शायर इमाम हुसैन को देखता हूँ तो मैं इमाम हुसैन अली पर हुसैन इब्ने अली पर सलावात भेजता हूँ सलाम भेजता हूँ। तब ये थोड़ी देर रुका और सिखा अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, ये कहना था कि खैमे से खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा वालेकुम सलाम सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, कहा सलाम का जवाब दिया था आज तक तुम जिंदगी में हम पर सलाम भेजते आए थे लेकिन तुमने कभी हमारे सलाम का जवाब नहीं सुना।
आज तुमने सलाम किया है, आज हम तुम्हारे सलाम का जवाब देते हैं। कहा कहाँ ले जाया जा रहा है? कहा जहन्नुम में ले जाया जा रहा है। कहा हुसैन इब्न अली ने एक तहरीर को लिखा और फरिश्तों के हाथों पर थमा दिया, जिसकी वजह से, लेकिन जैसे ही इमाम ने मेरी तहरीर को पढ़ा जो मेरे नामे आमाल की थी, एक मरतबा मेरी जाने से मुंह को फेर के कहा, अफसोस है कि तुम हमारे चाहने वाले, हमारे चाहने वाले होकर इस तरह का नामे आमाल तुम्हारा है। लेकिन जैसे ही हुसैन की तहरीर फरिश्तों के हाथों में आई, इमाम की तहरीर आते ही मेरी गुनाह नाम का अजाला होने लगा। तो वाकयातन हुसैन वो करीम है कि जो जिसके साथ मोहब्बत बुराइयों को ख़त्म कर दिया है। खुदा बंदे आलम हमें तौफीक दे कि हम हुसैन की मोहब्बत को अपने दिल में सही मायनों से बर्बाद करें। बस इसी बात हुसैन की जब मोहब्बत का जिक्र आता है तो हुसैन से मोहब्बत करने वाली बहुत सारी हस्तियाँ हमारे सामने आती हैं। हुसैन से मोहब्बत करने वाली माँ, हुसैन से मोहब्बत करने वाले बाबा, हुसैन से मोहब्बत करने वाले नाना, हुसैन से मोहब्बत करने वाले भाई। एक शख्सियत जो हुसैन के करबला में सबसे ज़्यादा जिसकी मोहब्बत हुसैन से के साथ सामने आती है वो है बहन ज़ैनब, जिसने अपना तमाम तर असासा हुसैन के ऊपर फिर दिया। यहाँ तक कि सुबह आशूर जब आना मोहम्मद ज़ैनब के खैमे में आए और ज़ैनब ने कहा, अभी तक जिंदा हो, अपनी जान को मेरे भाई को कुर्बान किया। भाई माता निगरा में बार बार जाते हैं, मामू वापस भेज देते हैं, मामू क्यों ना वापस भेजे, कोई भाई नहीं चाहता कि बहन का घर उजड़ जाए। कैसे हुसैन इजाजत देते हैं जिन लालों को बहन ने बड़ी मुशक्कत के साथ पाला है, ये भाई कैसे कहते हैं कि जाओ हमने तुम्हें तलवारों के हवाले किया, हमने तुम्हें नैजों के हवाले किया। यहाँ तक कि ज़ैनब खुद आई, भाई से इल्तिजा करी, भाई ने इजाज़त दे दी। जब इजाज़त लिया उन्होंने मोहम्मद ने, एक मरतबा घोड़े पे सवार हुए, सवार होकर मक्तल की जानिब गए। मुझे नहीं मालूम, बाज रहे थे, कहती ज़ैनब ने कहा, ए बच्चों दूध नहीं बख्शूंगी, देखो पानी के करीब नहीं जाना। ये बच्चे बहादुर थे, दिलेर थे, जंग करते करते नहर फरात के करीब तक पहुँच गए और नहर फरात के करीब फिसल सात का खैमा लगा था, रकाबे काट दी। जब रकाबे कटी फिसल सात घर बड़ा गया और बड़ा के निकला और कहने लगा, क्या समझते हो ये बच्चे आए, ये बच्चे नहीं है, ये जाफर तैयार के पोते हैं, ये हैदर करार के नवासे हैं, देखो घेर कर मारो। अब इधर बच्चों को नलवे में लिया गया, वहाँ तलवारें चलने लगी, नैजे लगने लगे, बच्चों के वजूद पर जरबे लगने लगी, यहाँ तक कि बच्चों से संभला ना गया। अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्ला, ये छोटे छोटे से बच्चे जीन से जमीन भर आए। जब आवाज लगाई ना अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्ला, दो मामू जो इंतजार कर रहे थे, जो देख रहे थे, ये हाथों के पारे कैसे जंग कर रहे हैं, इन हाथों के पारों को लेने के लिए दौड़े। एक को अब्बास ने उठाया, एक को हुसैन ने उठाया, खैमे में लेके आए, पाने देखा बच्चों के आजा कटे हुए हैं, खून आलू चेहरे आए, बदन जख्मों से तर आए, एक आह बुलंद करी, ज़ैनब चीख के रोने लगी, लेकिन कुछ लम्हा गिरिया किया। उसके बाद रवायत ये कहती है, बच्चों को दाई जाने बाई जाने बैठाया, दरमियान में खुद बैठ गई, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे इस विधियों को कबूल कर ले, ये वो माँ है जो आपके बाद अपने बच्चों पर नहीं रोई, ये ज़ैनब जब भी रोती है, हाय मेरा लाल अली अकबर, हाय अब्बास ने गुलबदर, हाय अब्बास दिलावर, हाय मेरा प्यासा भाई हुसैन, हाय मेरा मजलूम भाई हुसैन। लेकिन ये माँ जब मदीने पहुंची है, मदीने पहुंच कर अपने घर पहुंची है, एक माँ है, माँ अपने बच्चों को भुला नहीं पाती, वो माँ जिसने खून आलू चेहरे देखे हो, जिसने कटे हुए आजा देखे हो, जिसने जख्मी वजूद देखा हो, ये माँ कैसे भूल जाए। बस खाली सहन में बैठ कर आवाज लगा दिया ज़ैनब, ए मेरे ओनो मोहम्मद, ए बच्चों मेरी आवाज में लबैक हो। आज ज़ैनब इतनी गरीब हो गई, ज़ैनब को कोई माँ कहने वाला भी बाकी ना।
कोई